नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। आपका न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं कार्य सम्राट विट्ठल लोकरे साहब। विट्ठल लोकरे साहब जो कि मानखुर्द गोवंडी से नगर सेवक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो मानखुर्द में काफ़ी सारा स्लम एरिया है, स्लम को किस तरह से वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं या अभी तक उन्होंने किस तरह के कार्य किए। सर, आपका न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इतना अभी तक स्लम है, ये स्लम आखिर क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कहाँ का अड़चन आ रही है आपको? रीडेवलप या अच्छे फैसिलिटी देने के लिए कर सकते, जैसे कि क्रस्टल डेवलप है, जैसे आज मोहम्मद अली रोड के आप मोहम्मद अली आप बिल्डिंग देखो, क्रस्टल डेवलप में आ रही है। एक समूह डेवलप रहता है जो बड़े 2000 के स्क्वायर मीटर के काम रहेगा, उसके बाद में वो बड़ा काम हो जाता है और उसमें FSI ज़्यादा कंज्यूम, ऐसे FSI भी मिल जाता है। तो इसमें ये तो स्लम का रीडेवलप का समस्या है। इसमें जो विधायक है उन सब लोग की गरज रहती है और उसने आवाज़ उठानी चाहिए, मगर मुझे लगता है 10 साल में वो आवाज़ उठी नहीं। तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक उम्मीदवार बोल के विधानसभा के इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ अगर लोग हमें रिस्पांस देते, हमें वोट देते तो विधायक के दायरे में अगर हमको बिठा दिया तो हम ये ज़रूर UD डिपार्टमेंट के साथ में बात करेंगे। और ये स्लम का जो मसला है, इसमें स्लम सिर्फ स्लम नहीं है, अगर अच्छा सही बड़ा ढंग का स्लम आता है तो उनको FSI मिलेगा। और स्लम अगर 7000 घर है, 5000 घर है, 2000 घर है, अगर ऐसा स्लम अगर समूह और अच्छे ढंग से अगर स्लम बन गया तो उसमें बड़ा कॉलेजेस दे सकते, बड़ी गार्डन दे सकते, बड़ा हॉस्पिटल दे सकते और जो कुछ फैसिलिटी है जो लोगों को चाहिए, 5000 घर को, 2000 घर को, ये सब फैसिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाती है और इससे सब लोग को फायदा हो जाता है। मगर इसमें जो विधायक चुन के गए, जो लोग चुन के गए, ये कोशिश नहीं करते। इन्होंने करना चाहिए, अभी कितना साल वोट लेते रह गए, लोगों को गुमराह करते रह गए, तो गलत है। लोकरे साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मानखुर्द शिवाजी नगर के अंदर डंपिंग है और SMS कंपनी है जिसको लेकर अक्सर उसको बंद करने की मांगे उठती रही हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखो, मैंने गए भी 2-3 चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया कि 2007 में मैं चुन के आने के बाद में तुरंत 2010 में मेरा पहला लेटर कमिश्नर को गया है। उसके बाद में मैं बताता हूँ, 2012 में मिसेस ने डायरेक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर को और CM को लिखा। उसके बाद में मैं फिर से 2017 में फिर रामदास भाई को लेटर लिखा हूँ कि सब बंद होना चाहिए, इस वजह से जो ये रेसिडेंट में आपने बनाया। और ये आपको मैं क्लियर कट आपका न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये SMS कंपनी पहले सीवड़ी में थी और सीवड़ी से क्यों हटाई गई इसके बारे में कोई जानता नहीं, कोई बोलने की कोशिश नहीं करता है। सीवड़ी ये इतना बड़ा अच्छा जगह बन गया है जो टावर बन गया है बड़े बड़े, और उस टावर के बाजू में, उस परिसर के बाजू में SMS कंपनी थी जो बायोमेडिकल वेस्ट जलाने के। तो वो सब बड़े बड़े बिल्डर लोग ने एक साथ में आके कमिश्नर पे प्रेशर करके वहाँ की कंपनी हटा के ये अपने स्लम में लाके छोड़ दिए। जो बेचारे गरीब रहते हैं, जो दिन में जाके काम करेंगे उसके बाद में घर में उनकी चूल्हा जलती है, ऐसे विभाग में लाके वो छोड़ दिया है। उधर का जब रेट जब बढ़ेगा, टावर बनेगा, तो 30,000 रुपये का रेट से खुलेगा। अब इधर गरीब लोग के लाके बेचारे लोग के इसमें छोड़ दिया है। तो ये सब बिल्डर लोग के लॉबी ने ये सब करने के बाद में इधर लाके SMS कंपनी छोड़ दिया। तो इसका साथ हमेशा के लिए मैं विरोध करता हूँ। मेरे पास 2017 का भी लेटर है, आप देख सकते हैं उसमें, अभी बस मेरे पास में लेटर है वो, कि उसमें 2017 का लेटर में भी क्लियर कट लिखा है कि SMS का प्रदूषण खाते को मैंने लिखा है, पोल्यूशन को लिखा है मैंने, ये बंद करो बोल के। तो ये क्रिया चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ये बंद हो जाएगी। और डंपिंग का सब जगह है, डंपिंग बंद होना चाहिए। 1927 में डंपिंग हुआ था, उस टाइम पर इधर लोग नहीं थे, तो महालक्ष्मी से वो वैगन में आने का, गाड़ी में आने का, माल डब्बे में आने का, उसके बाद में कचरा डालने का, मगर वो ज़माना गया ना। आज 1927 के बाद में आज कितना साल हो गया, इधर लोग रहने लगे, लोगों को अलग अलग अस्थमा की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, ये सब बड़े पैमाने पर बीमारी हो रही है। तो इसको अभी करके उन लोग करमबोली में किधर तो हिलाने वाले हैं, और वो हिलाना चाहिए वो, और जल्दी से जल्दी हिलाने की हम लोग भी मांग करेंगे। मुझे लगता है ये सब विधायक के दायरे में आता है जो UD डिपार्टमेंट में है,
बड़े इसमें पैमाने पे उधर बात करनी चाहिए और वो बंद करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, आपका जो एरिया है वो एक्चुअली ज़्यादातर इसमें स्लम एरिया है, और स्लम एरिया होने की वजह से वहाँ कई बार ना साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं, लोग उससे बीमार होते हैं। लेकिन यहाँ किसी तरह का बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए आप किसी तरह का कोई ठोस कदम उठाएंगे? देखो, एक तो मैं पहला आपको बोलना चाहता हूँ कि शताब्दी हॉस्पिटल का टेंडर हो गया है, कभी भी काम चालू हो सकता है, G+6 का हो गया है, और सब जैसे KM और साइन में सब फैसिलिटी है, वो पूरा का पूरा फैसिलिटी है शताब्दी हॉस्पिटल में आ रहा है, बहुत बड़ा टेंडर हो गया है, ये कभी भी चालू हो सकता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि लल्लूबाई में MMRDA की तरफ से अपन बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो आपको आप देख सकते हैं, कम से कम 10 माले के ऊपर का हॉस्पिटल है वो। MMRDA अपने को बना के BMC को हैंड ओवर करेगी, और हैंड ओवर करने के बाद में उधर जो स्टाफ है, उधर लगने वाले डॉक्टर सब उधर आ जाएंगे, और ये सब मानकुर शिवाजी नगर का 2 हॉस्पिटल बन जाएगा, एक शताब्दी अत्याधुनिक बनने वाला है, इसके बाद में MMRDA जो लल्लूबाई में बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। तो ये सब हॉस्पिटल बनने के बाद में अपने को बहुत बड़ी मुझे उतने राहत हो जाएगी, जी KM जाते हैं, साइन जाते हैं बेचारे, उनको आना जाना, उनको वो उनको बहुत सहूलत नहीं मिलती, खर्चा ज़्यादा होता है। तो ये सब फैसिलिटी अपन कर रहे हैं, और शताब्दी के बाद में अपन लल्लूबाई में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैसिलिटी अपन दे रहे हैं लोगों को, और जल्द ही उनका काम चालू भी काम है, सिर्फ कुछ अड़चन से उधर काम बन गया, और उसका फॉलोअप मैं खुद ले रहा हूँ, वो भी जल्दी हो जाएगा। आपके मतदार संघ में लोकरे साहब कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे अवैध बांध कामों का भी भरमार है, और जिस तरह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर उन अवैध बांध कामों को ठीक तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता और वो गिर जाते हैं, फिर दुर्घटना होती है, उन्हें रोकथाम के लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए? देखो, एक तो पहला आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी शौक से अवैध बांध काम नहीं करता है, कुछ परिवार बढ़ जाता है, अगर समझो मैं वहाँ पर हूँ तो मेरा परिवार बढ़ने के बाद में वो ऊपर का एक सिंगल बांधकाम बेचारा कर रहा है, बड़े बड़े पैमाने पे बड़े बड़े लोग हीरानंदा से लेके आकृति से लेके कितना प्लॉट खा गए गोदरेज जैसे, तो ये गरीब ने एक प्लॉट ऊपर अगर बना दिया तो कौन सा बड़ा उन्होंने बेचारे ने पाप किया है मुझे बताओ ना। आप पॉलिसी बनाओ ना, मैं यही बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आपने जैसा स्लम का बताया, अगर इसमें सही ढंग से अगर विधायक लोग काम करते थे, पॉलिसी बनती थी, एक स्लम बड़े पैमाने पे एक सामूहिक डेवलप हो जाता था, क्लस्टर डेवलप जैसी योजना आ जाती थी जिसमें बिल्डर लोग को FSI मिलता था, ये गरीब लोग इलीगल क्यों बनाएंगे? कोई खुशी से नहीं बनाते, कोई खुशी से नहीं बनाते, आप समझते? ये लोग अपने बेचारे उनकी मुसीबत के लिए बनाते। मैंने बता दिया कि गोदरेज से लेके बड़े बड़े बिल्डर लोग ने सब हीरानंदा ने सब कितना प्लॉट खा के, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, समझते ना? आप पॉलिसी बनाओ ना, तो लोग को बेचारे क्यों खर्चा करेंगे डबल माले के लिए हो? हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा, वो 14 फुट के लिए तो परमिशन है, अभी 2011 का भी GR आ रहा है, शासन उसके ऊपर अमल कर रही है, वो सब होने के बाद में जल्दी से जल्दी हम तो सोचेंगे ऐसा रहे, वो फैसिलिटी हो लोगों को, हम ये सोचेंगे। एक 14 फीट का परमिशन है, हमारा अवैध बांध कामों के खिलाफ हमारा बोलना या उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब अवैध बांध काम गिर जाते हैं और वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ना कोई कॉरपोरेटर, ना ही BMC वाले, तब फिर यही कहा जाता है कि अवैध बांध काम बना था इसलिए वो गिर गया, तो उसके पहले ही उन चीज़ों को क्यों नहीं रोका जाता? देखो, आप देखेंगे तो बम्बई में सिटी में भी बहुत अवैध बांध काम है, जो C1 कैटेगरी में आता है, B1 में नहीं है। आप देखेंगे बम्बई में, मैं वही बताया आपको, सबके सब बांध काम में पॉलिसी बनना चाहिए, उसकी अमल करना चाहिए, हर महीने में उसको रिव्यू लेना चाहिए कि ये बांधकाम में क्या हुआ, ये क्या कर सकते हैं, तो ये होने के बाद में सब कुछ सरल हो जाएगा, सब कुछ सरल हो सकता है। इन सब बांधकामों को रोकने के लिए आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाइए कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, सभी लोग फ्लैट्स में जाएं और उन लोगों को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मैंने आपको क्लियर कट बताया, ये पॉलिसी मैटर है, इसमें सुधारने के लिए अच्छे विधायक आना चाहिए। मानखुर्द की जो जनता है वो लोकरे साहब को आने वाले समय में MLA के रूप में देखना चाहती है। देखो, मैं 20-25 साल से यहाँ पर मैं चुन के आ रहा हूँ, लोगों के आशीर्वाद पे चुन के आ रहा हूँ, और लोगों की इच्छा है कि स्थानिक उम्मीदवार यहाँ पर चाहिए। अगर 30 साल से आप देखेंगे तो यहाँ के एक भी लोकल
उम्मीदवार नहीं थे और लोकल उम्मीदवार नहीं रहने से कुछ भी समस्या रहेगी। सादा लेटर में पहचान पत्र भी देने के लिए अगर आप कुलाबा जाएंगे तो कहाँ से बेचारा वो जाके कुलाबा जैसे लेटर ले सकता है। तो लोकल एमएलए का लोकल अगर आदमी रहेगा तो फैसिलिटी लोग आके उनको बोल सकते, समझो मुझे कुछ काम है या लोगों का कुछ काम है, पहचान पत्र मिल गया समझो, अगर लेटर चाहिए कौन से तो हॉस्पिटल में एडमिट करना है या कुछ करना है तो लेटर लाने के लिए आदमी कहाँ पर जाके उनको कहाँ से ढूंढ सकता है। तो लोकल एमएलए चाहिए जो शेयरिंग रिक्शा में 5 रुपये में 7 रुपये में वो ऑफिस में जाके टच होना चाहिए और लोगों को सुविधा देने के लिए वो लेटर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए लोकल ये जो विधानसभा होने वाले हम खुद लोकल को कोशिश करें। आवाम भी कहना चाहती है कि 30 साल से लोकल कोई भी एमएलए नहीं है तो लोगों की आवाज़ है, लोग कहना चाहते हैं कि ये टाइम हमारा जो विधायक होएगा लोकल होएगा। तो हम तो 5 वार्ड में घूम चुके हैं, वो 5 वार्ड से मुझे सपोर्ट मिला है और बेचारे लोग चाहते हैं कि आप ये प्रतिनिधित्व करो, हमारे लिए प्रतिनिधित्व करो, तो हम कोशिश कर रहे हैं विधायक के लिए लड़ने के लिए। लोकरे साहब, ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप करना तो चाहते हैं एज ए कॉरपोरेटर लेकिन उसके बावजूद आपको तकलीफ़ें आती हैं और करने कहीं ना कहीं आप उन्हें कर नहीं पाते? बहुत कुछ काम है जो विधायक के दायरे में आते, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा कॉलेज चाहिए, यहाँ पर 8वीं के बाद में लोगों के लिए एजुकेशन नहीं, ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आरक्षण हाउसिंग प्लॉट है, जो हाउसिंग आरक्षण है ये ईडी डिपार्टमेंट में आता है, मैं हर टाइम वही बता रहा हूँ। तो विधायक अगर कोशिश करेगा कि हाउसिंग प्लॉट उसमें चेंज लाके अगर कॉलेज हाई स्कूल बना सकता है तो वो आरक्षण हट के उधर 2-3 कॉलेज शिवाजी नगर मानकुर में हो सकते हैं, 12th का कॉलेज हो सकता है, अलग अलग किस्म के कॉलेज यहाँ पर हो सकते हैं। जो लड़के आज चेंबूर जाते हैं, अंधेरी जाते हैं, घाटकोपर जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ नेरुल जाते हैं, तो यहाँ पर कॉलेज हो सकता है। अगर उसका आरक्षण भी नहीं रहा तो भी हाउसिंग का आरक्षण हटा के उसमें अपन कॉलेज बना सकते हैं, जो लोगों को मानकुर शिवाजी नगर में एक भी कॉलेज नहीं है तो कॉलेज बना सकते हैं, हाई स्कूल अच्छा बना सकते हैं या आरक्षण हटा सकते हैं, 12वीं तक बच्चे लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, TY BCom तक यहाँ पढ़ सकते हैं, अनेक बड़े बड़े कॉलेज तक। मेरा तो यही ध्येय है, मैं लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं पहला काम मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ 2-3 कॉलेज हाउसिंग प्लॉट पे रद्द होके ये अपना कॉलेज का रिजर्वेशन वहाँ पर गिरना चाहिए और कॉलेज का रिजर्वेशन होने के बाद में अपन वहाँ पर कॉलेज गवर्नमेंट का बना सकते, ये सब फैसिलिटी इजी दे सकते हैं अपन। ये थे विट्ठल लोकरे साहब, जिनकी इच्छा है कि आने वाले समय में अगर लोग उन्हें MLA के रूप में देखना चाहते हैं और उन्हें चुनके देंगे तो जिस तरह से यहाँ मानखुर्द के क्षेत्र में, मानखुर्द गोवंडी क्षेत्र में कॉलेज और जो स्वास्थ्य की बीमारियों को लेकर बहुत सारी कमियां हैं वो उन्हें दूर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर कॉलेज बनाए जाएँ, हॉस्पिटल्स हों और इस एरिए को वो डेवलप भी करना चाहते हैं। मैं संजय मेहरोलिया, कैमरामैन विवेक कोटवाल के साथ, आपका न्यूज़ मुंबई।